ये हरिलाल है जो जमीन नगर में रहता है। वो अपनी साइकिल पर सवार होकर घूम घूम कर अपने हाथ से बनाए समोसे बेचता है। समोसा, गरम गरम समोसा, ठंडा निकले तो कर देना वापस। समोसे की बिक्री से हुई कमाई से किसी तरह वो अपनी पत्नी कविता और बेटी लासिया की जरूरतें पूरी करता है। वो सुबह सुबह निकल जाता है और देर रात वापस घर लौटता है। एक दिन वो बड़ा निराश हो चारपाई पर बैठा था। उसकी पत्नी कविता उसके पास आई। इस तरह चिंता मत करो, इस तरह विलाप करने से क्या होगा जी? मैं क्या करूं कविता, ये समोसे का धंधा हमें कुछ नहीं दे पा रहा है। ऐसे क्या बोलते हो जी, इसके अलावा हमें और आता ही क्या है। वो तो ठीक है, लेकिन नहीं देख रही हो तुम, कितने गांव जाऊं और चिल्ला चिल्ला कर बेचूं, कोई समोसा नहीं खरीद रहा। अच्छा, ये धंधा नहीं तो और क्या कर सकते हो? मैं कुछ भी करूंगा कविता, अगर मुझे मुनाफा ना भी मिले, कम से कम जो पैसा लगाऊंगा वो तो वापस मिलेगा। ऐसे अपना जीना खराब करो, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हाँ, किस्मत में लिखा कौन बदल सकता है। हमारी बेटी कहाँ है, जब से आया हूँ देखा नहीं मैंने उसे। अपनी सहेलियों के संग खेल रही होगी बा। इतनी रात गए खेल रही है, कविता उसे बुलाओ जरा। हमारी शादी के कितने साल बाद हमें फूल सी बच्ची हुई, मैं उसे भी ठीक से खिला पहना नहीं पा रहा हूँ। हाँ, क्या करूँ, किस्मत ही ऐसी। अरे जी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। कविता घर से बाहर आती है और लासिया को बुलाती है। माँ की बात सुनकर आ रही हूँ माँ। लासिया कविता की ओर दौड़ती है और दोनों घर में चले जाते हैं। खाना खाकर तीनों सो जाते हैं। उस रात हरिलाल को एक सपना आता है। उस सपने में हरिलाल समोसे से दूर जा रहा है, लेकिन समोसा उसके पीछे पीछे आ रहा है। हरिलाल कहता है, हम अब और एक साथ नहीं रह सकते और ना काम कर सकते, चले जाओ। मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ हरिलाल, हमारा रिश्ता दूध और पानी जैसा है ना। यही कारण है कि तुम बिकते ही नहीं, मेरे साथ ही बने रहते हो जब तक कि सड़ नहीं जाते। अगर मैं तुम्हारे भरोसे बैठा रहा तो बर्बाद हो जाऊंगा। गलती मेरी नहीं है हरिलाल। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि गलती मेरी है? क्या तुम जानते हो कि मैं तुमको कितने अच्छे मसाले मिलाकर कितने जतन से बनाता हूँ, खाकर देखो तब पता चलेगा। सुनकर समोसा खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या तुम मुझे देखकर हंस रहे हो? तुमको देखकर नहीं, तुमने जो कहा उसे सुनकर हंसूं या रोऊं, तुम ही बताओ मैं खुद को कैसे खा सकता हूँ। तुम बस मुझे छोड़ के चले जाओ, यहाँ के बाद तुम्हारा रास्ता तुम्हारा और मेरा मेरा। हरिलाल, हमें भी बदलते वक्त के साथ बदलना होगा। जो कहना है सीधे सीधे कहो, घुमा फिरा के बात मत करो। मेरे आकार में तुम हाईवे के किनारे एक बड़ा होटल शुरू करो, तुम इसे समोसा होटल नाम देना। एक बोर्ड लगाना जिसमें लिखा हो कि यहाँ सभी प्रकार के समोसे उपलब्ध हैं, खासतौर से बिग समोसा होटल का जिक्र करते हुए बैनर लगा देना, और फिर माइक पर इसके बारे में बताना, देखो फिर क्या होता है। हरिलाल की नींद खुल जाती है, वो चारों ओर उठकर देखता है। वो अपनी पत्नी कविता और बेटी लासिया को सोता देखता है, समझ जाता है कि वो एक सपना देख रहा था। लेकिन हरिलाल को लगता है कि अगर वो समोसे की सलाह माने तो उसका जीवन बेहतर हो सकता है। जैसे ही वो सुबह उठता है, वो कविता को बीती रात के सपने के बारे में बताता है और वो उसे समोसे की सलाह पर चलने के लिए कहती है। वो अपनी पड़ोसन पार्वती से पैसे उधार लेते हैं और उस पैसे से हरिलाल हाईवे पर समोसे के आकार का होटल बनाता है। हाईवे पर राहगीर समोसे के आकार में बड़े होटल को देखकर हैरान रह गए। उन्हें होटल का आकार और वहाँ मिलने वाले समोसे का आइडिया आकर्षित करता है। समोसा होटल ये नाम भी सभी को पसंद आता है और कई लोग होटल में आकर अपनी रुचि के अनुसार समोसा खरीद कर खाने भी लगते हैं। तब हरिलाल बड़े खुश होकर कविता से पूछता है, कविता कैसा है हमारा होटल? बहुत बढ़िया जी, वास्तव में हमें आपके सपने में दिखाई देने वाले बड़े समोसे को ढेरों धन्यवाद कहना है। हाँ कविता, कहना ही चाहिए। हरिलाल उस समोसा होटल से हाईवे पर खूब पैसा कमाने लगा। उसने एक अच्छा घर बनाया और जरूरी चीजों का ध्यान रखा। इस तरह अब उनका जीवन उस समोसा होटल से समृद्ध हो गया था। सरकार बिलासपुर के बीच से एक नहर निकालती है जिससे गांव दो भागों में बट जाता है। अस्पताल, बैंक और डाकघर नहर के एक तरफ आ जाते हैं और दूसरी तरफ आता है गाँव।
लोगों के एक तरफ से दूसरी तरफ आवाजाही के लिए नहर पर एक पुल बना दिया गया। सभी उस पुल का इस्तेमाल कर बिना किसी परेशानी के अपने कामकाज करते रहते हैं। इसी गांव में युगांधर एक रोबोट साइंटिस्ट है। वो अपने घर को एक लैब में बदल देता है और रोबोट तैयार करता है। उसकी पत्नी का नाम श्रीवाणी है और उनका एक बेटा है, नाम है जालंधर। पापा, क्या हम आपके इन तैयार किए गए रोबोट की मदद से कुछ कर सकते हैं? मैं कुछ करने के बारे में तो सोच नहीं सकती बेटा, लेकिन इनसे हम अपना सिर या दूसरों का सिर तोड़ने के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ मजाक कर रही है। हम इन रोबोट की मदद से काम कर सकते हैं। मैं इसके लिए इन्हें प्रोग्राम कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे पापा ने हमारी सारी संपत्ति खर्च करके इन बेकार रोबोट को तैयार किया है। अब तक इनका बनाया एक भी रोबोट सफल नहीं हुआ और ना खर्च किए पैसे ही वापस मिले। एक बार मुझे सफलता मिलने दो, तब लोग मेरे ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाकर खड़े रहेंगे और पैसा तुम्हारे पैरों में परसेगा। हाँ, इसी उम्मीद के साथ मैंने इतने सालों कम में भी गुजारा किया, लेकिन अब और नहीं, ये सब सह नहीं होता और मुझसे। शिवानी अपने बेटे को लेकर लैब से चली जाती है। उसी गांव में एक रात बारिश शुरू हो जाती है और चक्रवात में बदल जाती है। पूरा गांव जलमग्न हो गया। नहर में पानी का बहाव तेज होने से वो पुल भी टूट गया। इससे दोनों तरफ की आवाजाही रुक गई। कई बार गुहार लगाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती। गांव के लोग सरकार से नाउम्मीद हो जाते हैं। मैं रोबोट जो मैंने तैयार किए हैं, उनकी मदद से नहर पर एक पुल बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्चा होगा और पैसों की जरूरत पड़ेगी। युगांधर ग्रामीणों से पैसे इकट्ठे करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। सब आकर शिवानी को खरी खोटी सुनाते हैं। उनकी बातों से अपमानित हो शिवानी स्वयं की जान ले लेती है और उनका बेटा अनाथ हो जाता है। वो सोचता है कि उस गांव में ठहरना ठीक नहीं और एक रात उसे छोड़कर चला जाता है। समय महीनों और वर्षों में बीत गया। 10 साल बाद वही बेटा अपने गाँव लौटा और अपने उस घर को देखने के लिए गया। उसने वहाँ का ताला तोड़ा और अपने घर को बहुत अच्छे से साफ किया। उसके आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसके पास चले आए और बोले, अच्छा, तुम अभी भी जीवित हो? इस गांव में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हारे पिता ने जो धोखाधड़ी की थी हम सबके साथ, वो काफी नहीं थी? तुम फिर से आ गए। बेशर्म लड़की, तुम्हारे पिता के कारण तुम्हारी माँ ने खुद की जान ले ली थी, फिर भी तुम अभी तक जीवित हो? इसका मतलब है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं। हर कोई उससे गलत बात कहता है और खरी खोटी सुनाकर सब चले जाते हैं। उसके दिल में उनकी बातें तीर की तरह चुभती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और रोबोट बनाता रहता है। कुछ दिनों तक वो अपने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलता और एक विशालकाय रोबोट तैयार करता है। वो गांव की नहर पर पुल बनाना चाहता है। सरपंच से मिलकर अपनी योजना के बारे में बताता है, लेकिन वे लोग तैयार नहीं होते। उसे बहुत दुख होता है, फिर भी वो अपना काम करना जारी रखता है। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई और एक चक्रवात में बदल गई। फिर से गांव